हेलो व्यूअर्स माय नेम इज़ अस्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कूल वर्ड्स स्कूल के हवाले से जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी वोकेबलरी किस तरह से हम बोलते हैं क्या बोलते हैं आज हम उनको पिक्चर से क्लियर करेंगे सो so, आपकी ज़ुबान में उसे कुछ भी कहते हो बट इंग्लिश में क्या कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पिक्चर यू लुक हेअर बैक पैक बैक पैक यानी पीछे लटकाने के लिए जो पैक होता है ठीक है बैक पैक पॉइंट दिस इज बॉल पॉइंट फैन बॉल पॉइंट फैन ब्लैक बोर्ड इट्स रिटन ब्लैक बोर्ड बट आपको पिक्चर में ग्रीन नजर आ रहा है सो so, ये ग्रीन बोर्ड है बोर्ड इज द थिंग ऑन विच वाइट और जो कलर होता है उसका उसको हम उसी कलर से कॉल करते हैं यह ग्रीन बोर्ड है इसी तरह ब्लैक बोर्ड होता है इसी तरह वाइट बोर्ड होता है सो यू कैन से दैट दिस इज ग्रीन बोर्ड बुक जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ होता है जहाँ से हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड बुक बुक कैलकुलेटर कैलकुलेटर चौक चौक जिससे हम ब्लैकबोर्ड के ऊपर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड चॉक कंप्यूटर, कंप्यूटर, क्रियान क्रियान डेस्क, कॉमनली या आमतौर पे जो लोग हैं इसको डैक्स बोलते हैं दिस इज नॉट डैक्स दिस इज डेस्क डेस्क रेजर रेजर ग्लू स्टिक ग्लू स्टिक लंच बॉक्स लंच बॉक्स नोटबुक जिसके ऊपर हम नोट करते हैं कुछ उसको नोटबुक कहते हैं नोटबुक पेंसिल 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 बॉक्स पेंसिल बॉक्स पेंसिल शार्पनर पेंसिल शार्पनर, रोलर रोलर सिज़र्स सिजर्स स्टैपलो स्टैपलो टेप टेप सो इस तरह के वर्ड्स हम अपने स्कूल में आमतौर पे बोलते भी हैं और इन चीज़ों को हम यूज़ भी करते हैं तो होपफुली ये आ, जो वर्ड्स हैं या ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी ठीक है ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वर्ड्स आने चाहिए सेंटेंसेस बोलने के लिए वर्ड्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so इसी लिए आप इन वर्ड्स को सीखें और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें सो so होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके सो so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर अल्लाह हाफ़